हम नाग पंचमी की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नाग देव की पूजा करके इन्हें मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम नाग पंचमी की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नाग देव की पूजा करके इन्हें मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्त जनों, आज हम आपको नाग पंचमी की कथा सुनाएंगे। सनातन धर्म में अनेकों ही त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें नाग पंचमी भी विशेष त्योहार है। कहते हैं आज के दिन नाग देवता की पूजा करने से घर में अन्न धन की वृद्धि होती है एवं सर्प दंश का भय नहीं रहता। प्रिय भक्तों, आज इस कथा के माध्यम से हम बताने की कोशिश करेंगे कि नाग पंचमी का त्योहार क्यों मनाया जाता है और इसकी व्रत कथा भी आपको सुनाएंगे। राजा दक्ष प्रजापति की थी 84 कन्याएं, जिनमें से 13 को है ऋषि कश्यप ब्याह किलाए। अदिति दिति दनु काष्ठा है अरिष्ठा और सुरसा, यामिनी ताम्रा सुरभि पतांगी कद्रु और विनता। विनता और कर्दु के बीच की भक्तो कहानी है, नाग पंचमी के अवसर पे हमें सुनानी है। विनता गर्भ से अरुण गरुड़ दो पुत्रों का जन्म हुआ, और कर्दु ने अनेकों ही नागों को जन्म दिया। वासुकि तक्षक कार्य कोट भी जिनमें आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नाग देव की पूजा करके इन्हें मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्त जनों, ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि के विद्वान पुत्र थे, जो राजा दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं को ब्याह कर लाए थे। मुख्यतः इन्हीं कन्याओं से सृष्टि का विकास हुआ और ऋषि कश्यप सृष्टिकर्ता कहलाए। ऋषि कश्यप सप्त ऋषियों में प्रमुख माने जाते हैं। इन सप्त ऋषियों के नाम हैं वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भरद्वाज। प्रिय भक्तों, जिस प्रकार दिति गर्भ से दैत्य, अदिति गर्भ से देवता उत्पन्न हुए, इसी प्रकार विनता गर्भ से दो पुत्र अरुण जो सूर्य देव के सारथी बने, यौम गरुण जो विष्णु जी के वाहन बने और कद्रु गर्भ से बहुत से नागों की उत्पत्ति हुई, जिनमें प्रमुख 8 नाग थे, शेष वासुकी, तक्षक, कारकोट, पद्म, महापद्म, शंख और पुलिक। प्रिय भक्तों, एक दिन विंता और कर्दु ने उच्चे श्रवा घोड़े को देखा, जो कि सागर मंथन के 14 रत्नों में एक है। उच्चे श्रवा नामक घोड़ा जब है सामने आया, कद्रु ने जो देखा तो है विनता को बतलाया। रंग तो है श्वेत घोड़े का, पूछ है इसकी काली, विनता ने कद्रु की बात ये हंस करके टाली। बोली विनता अश्व ये पूरा श्वेत रंग का है, जरा गौर से देखो क्या तुमको नहीं दिखता है। लेकिन कद्रु अपनी बात पर अड़ ही जाती है
और विंता को मिथ्या साबित करना चाहती हैं। कद्रु को फिर अपने पुत्र याद आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, नागदेव की पूजा करके इन्हें मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये भक्त जनों, कद्रु और विंता के बीच शर्त लग गई। विंता घोड़े को श्वेत रंग का बता रही थी और कद्रु उसकी पूंछ को काले रंग का बता रही थी। कद्रु ने बात को सच सिद्ध करने के लिए अपने नाग पुत्रों को आदेश दिया कि तुम सूक्ष्म रूप बनाकर घोड़े की पूंछ से लिपट जाना ताकि उसकी पूंछ काली नजर आए और मैं शर्त जीत जाऊं। कुछ नागों ने तो उसकी बात मान ली, किंतु कुछ ने इस झूठ में माता का साथ देने के लिए मना कर दिया, तो कद्रु ने क्रोधित होकर उन्हें अग्नि में भस्म होने का श्राप दे दिया। माता ने जो श्राप दिया था सच तो होना था, जिसमें भस्म ये होंगे सारे यज्ञ वो होना था। राजा परीक्षित की मृत्यु हुई सर्प दंश के कारण, जानते हुए कर ना सके थे इसका कोई निवारण। राजा परीक्षित पुत्र ने नागों से बदला लेना चाहा, जन्मे जय ने इसके लिए फिर नाग यज्ञ करवाया, किंतु मुनि आस्तिक आकर उसे रुकवाते हैं, भस्म होने से अग्नि में नागों को बचाते हैं। नाग पंचमी का ही दिन था वो तो बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, नाग देव की पूजा करके इन्हें मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्त जनों, जब कलयुग ने राजा परीक्षित से रहने की आज्ञा मांगी तो उन्होंने कलयुग के रहने के लिए 5 स्थान दिए, जिनमें से स्वर्ण भी एक था। क्योंकि राजा परीक्षित ने स्वर्ण मुकुट पहना हुआ था तो उनकी मति भ्रष्ट हो गई और उन्होंने ऋषि शमीक के गले में एक मृत सर्प को डाल दिया, जिसका प्रतिकार लेने के लिए उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि आज से ठीक 7 दिन पश्चात सांप के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित जानते हुए भी कोई उपाय ना कर सके और सर्पदंश से उनकी मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने जिसके प्रतिकार में नाग यज्ञ किया, जिसमें सारे नाग यज्ञ अग्नि में आकर भस्म होने लगे। तब मुनि आस्तिक ने आकर राजा जन्मेजय के नाग यज्ञ को रुकवाया और जलते हुए नागों को अग्नि से बचाने के लिए उनके ऊपर शीतल दूध डाला और पिलाया। भक्तों, जब मुनि आस्तिक ने नाग यज्ञ रुकवाया तो नाग पंचमी का ही दिन था, तभी से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा। जो इस दिन नाग देवता को शीतल दूध अर्पित करते हैं, नाग देवता सदा ही उन पर प्रसन्न रहते हैं। प्रिय भक्तों, नाग पंचमी के दिन अनेकों भक्त व्रत भी करते हैं और कोई भी व्रत व्रत कथा सुने बिना संपूर्ण नहीं होता। अतः हम आपको नाग पंचमी की व्रत कथा सुनाएंगे। किसी नगर में रहता था एक सेठ बड़ा साहूकार, सब खुशियों से भरा हुआ था उसका तो घर बार। 7 पुत्र थे सेठ के घर में, 7 ही बहुएं हैं, 7 पुत्र और बहुएं मिलजुल करके रहते हैं।
एक बार जब नाग पंचमी का आया त्योहार, अपनी सातों बहुओं से कहने लगा साहूकार। नाग पंचमी आई, घर की करनी सफाई है, और मिट्टी भी लाना क्योंकि करनी लिपाई है। अपनी सातों बहू को वो तो हुक्म सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, नाग देव की पूजा करके इन्हें मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्त जनों, सेठ की बात सुनकर सातों बहुएं डलिया और खुरपी लेकर एक जगह से मिट्टी लाने के लिए चली जाती हैं। उन सब बहुओं में छोटी बहू सबसे समझदार थी। जब वो सभी मिट्टी खोदने लगी तो बड़ी बहू के आगे एक सर्प आ जाता है। बड़ी बहू जैसे ही उस पर खुरपी चलाने लगी तो छोटी बहू ने तुरंत हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, ये बेचारा निर्दोष है, आप इसे मत मारो, कहीं दूसरी जगह से मिट्टी खोद लो। इतना सुनकर बड़ी छह बहुएं दूसरी ओर मिट्टी खोदने चली जाती हैं, किंतु छोटी बहू सर्प से हाथ जोड़कर कहती हैं, हे भैया, मेरी बड़ी जेठानी की भूल को क्षमा कर देना और तुम यहीं रहना, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। जेठानी से है उसे बचाया, क्योंकि उसका भाई नहीं था, सर्प को भाई बनाया। मिट्टी लेकर सातों ही बहुएं फिर तो चली गई हैं, और घर के कामों में जाकर व्यस्त हो गई हैं। छोटी बहू ने तो उस सर्प को भाई माना है, भूल गई ले जाकर उसको दूध पिलाना है। अगले दिन जब छोटी बहू को याद बात आई, कच्चा दूध उस सर्प की खातिर लेकर है आई, किंतु नागदेव उस पर क्रोधित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, नागदेव की पूजा करके इन्हें मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब नागदेव प्रसन्न हो, सुखी भक्तों का जीवन हो, जब नागदेव प्रसन्न हो, सुखी भक्तों का जीवन हो। प्रिय भक्त जनों, छोटी बहू से क्रोधित होकर वो सर्प कहने लगा, तुमने मुझे यहीं रुकने के लिए कहा और कल से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तब छोटी बहू हाथ जोड़ते हुए बोली, भैया मुझे क्षमा कर दो, मैं घर के कामों में व्यस्त होने के कारण आपके लिए दूध लाना भूल गई। छोटी बहू की बात सुनकर सर्प कहने लगा, क्योंकि तुमने मुझे भैया कहा है, इसलिए अपनी छोटी बहन समझकर तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ। फिर सर्प ने छोटी बहू का लाया हुआ दूध ग्रहण किया। फिर तो एक दिन उसी सर्प ने मानो रूप बनाया, छोटी बहू का भाई बनकर उसके घर चलाया। छोटी बहू को आकर के सब कुछ भी बता दिया है, भाई बनकर आया हूँ जैसा कि तुमने कहा है। साहूकार को भी तो सर्प ने ऐसा ही बतलाया, छोटी बहू का भाई हूँ मैं जो परदेश से आया, इसीलिए तो पहले अपनी नहीं हुई मुलाकात, बहुत दिनों में आया बहन को ले जाऊंगा साथ। साहूकार भी उसको मना नहीं कर ही पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, नागदेव की पूजा करके इन्हें मनाते हैं,
हम कथा सुनाते हैं। जब नाग देव प्रसन्न हो सुखी भक्तों का जीवन हो, जब नाग देव प्रसन्न हो सुखी भक्तों का जीवन हो। प्रिय भक्त जनों, सर्प जो कि मनुष्य बनकर अपनी बहन के घर में आया था, उसने साहूकार और अपनी बहन की जेठानियों को बताया कि मैं इसका छोटा भाई हूँ जो कि बहुत दिनों से परदेश में रहता था, और मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बहन को घर ले जाने के लिए आया हूँ। तो साहूकार ने खुशी खुशी छोटी बहू को उसके भाई के साथ भेज दिया। छोटी बहू अपने नाग भाई के पीछे पीछे चल दी। चलते चलते एक गुफा आई तो उसका भाई कहने लगा, हे बहन, ये अपने घर जाने का मार्ग है। अब मैं सर्प बन जाऊंगा और गुफा में प्रवेश करूंगा, तुम मेरी पूंछ पकड़कर भीतर चले आना। छोटी बहू ऐसा ही करती है। अपने भाई के साथ वो तो नागलोक में आई, नागलोक की शोभा देख कर बड़ी ही हर्षाई। हीरे मोती और मणियों की चकाचौंध ऐसी आज तलक नहीं सुनी थी उसने, ना ही कभी देखी। फिर उस सर्प की माता भी तो उनके पास आई है, माँ से बोला, इसने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं बहन मान कर नागलोक ले आया। माता ने भी बेटी समझ कर बड़ा ही प्रेम लुटाया। आपस में फिर माँ बेटी की होती बातें हैं, पावन कथा सुनाते हैं, नागदेव की पूजा करके इन्हें मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्त जनों, सर्प की माता ने भी छोटी बहू को बेटी मान लिया और बड़ा ही प्यार दुलार दिया। एक दिन माता कहने लगी, बेटी मैं बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाई को दूध पिला देना। छोटी बहू ने कहा, ठीक है माँ, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं भाई को दूध पिला दूंगी। किंतु छोटी बहू ने भूल से भाई को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह जल गया। जब माता आई और अपने बेटे का जला हुआ मुंह देखा तो छोटी बहू पर क्रोध करने लगी। किंतु छोटी बहू ने उसी समय प्रार्थना की, हे माता, मुझसे भूलवश ऐसा हो गया। तो उसकी माता का क्रोध शांत हुआ। कुछ दिन नागलोक रहने के पश्चात छोटी बहू ने वापस जाने की इच्छा जताई। माता और भाई ने उसको फिर तो विदा किया है, सोना चांदी एक नौलखा हार भी उसे दिया है। छोटी बहू अपनी ससुराल में वापस आई है, और भाई का दिया हुआ धन साथ मिलाई है। उसकी जेठानियों को फिर तो अचरज बड़ा हुआ, एक नौलखा हार जो गले में उसके पड़ा हुआ। हीरे मोती जड़ा हुआ वो हार बड़ा ही खास, ऐसा हार तो होता नहीं है किस रानी के पास। आपस में फिर सभी जेठानी करती बातें हैं, पावन कथा सुनाते हैं, नागदेव की पूजा करके इन्हें मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब नागदेव प्रसन्न हो सुखी भक्तों का जीवन हो, जब नागदेव प्रसन्न हो सुखी भक्तों का जीवन हो। प्रिय भक्त जनों, सभी जेठानियां आपस में बात करने लगी कि इसका भाई तो बहुत धनवान है, ना जाने परदेश से
कितना धन कमा कर लाया है, जो अपनी बहन को इतना सारा धन दिया है, और छोटी बहू ने जो हार पहना था वैसा हार तो उसकी जेठानियों ने कभी सपने में भी नहीं देखा। जब छोटी बहू हार पहनकर चलती थी तो उसके रूप में चार चांद लग जाते थे। धीरे धीरे उसके हार के चर्चे होने लगे और बात राजा और रानी तक भी पहुंच गई। रानी राजा से कहने लगी, साहूकार की छोटी बहू का हार मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। राजा ने फिर सभा में साहूकार को बुलवाया, लगा पूछने छोटी बहू ने हार कहाँ से पाया। बोला साहूकार के उसके भाई ने दिया है। कहने लगा राजा, बोलो तुम्हार की कीमत क्या है। साहूकार बोला के चीज जो मायके से आती है, उसकी कीमत राजन कहाँ लगाई जाती है। छोटी बहू अपने भाई का दिया हुआ उपहार आपको दे देगी, इसके ना लगते हैं आसार। फिर तो राजा छोटी बहू को भी बुलवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, नागदेव की पूजा करके इन्हें मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्त जनों, राजा ने छोटी बहू को भी सभा में बुला लिया और कहने लगा, तुमने जो हार पहना है उसे रानी पहनना चाहती है। मैं तुम्हें इसके बदले में बहुत से हीरे मोती और सोना चांदी दूंगा, किंतु वो हार अपनी रानी के लिए मुझे चाहिए। छोटी बहू हार देने के लिए मना कर देती है। तो राजा कहते हैं, यदि तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो तुम्हारे सारे परिवार को कारावास में डाल दूंगा। छोटी बहू को मजबूरी बस राजा को हार देना ही पड़ता है। हार ले लिया छोटी बहू का हुई है बड़ी निराश, और कोई पर चारा नहीं था छोटी बहू के पास। राजा हार लेकर महल में शाम को जब आया, रानी से कहने लगा, मैंने हार वो मंगवाया। देखो इसे पहन कर कैसा तुम पर जचता है, हार बड़ा ही सुंदर है, अनमोल ये लगता है। राजा ने रानी को फिर तो हार दे दिया है, रानी ने भी अपने गले में उसको पहन लिया है। हीरे मोती सर्प नजर पर उसको आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, नागदेव की पूजा करके इन्हें मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्त जनों, जैसे ही रानी ने हार को अपने गले में डाला, हीरे मोतियों की जगह सर्प बन गए और रानी की चीख निकल गई। राजा ने सोचा, ये कैसा जादुई हार है। उसने तुरंत ही साहूकार और छोटी बहू को बुलाया और छोटी बहू को आदेश दिया कि यह हार पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने हार पहना तो वही हीरे मोती जड़ा हुआ नौलखा हार दिखाई दिया। रानी ने तुरंत उसके गले से उतार कर जब स्वयं पहना तो फिर से सर्प बन गए। ये देखकर राजा छोटी बहू से कहने लगे, ये हार तुम्हारी ही अमानत है, तुम इसे ले जाओ। और पुरस्कार स्वरूप राजा ने उसे बहुत ही सारा धन दिया।
छोटी बहू को दिए राजा ने अनेकों ही उपहार। लौट के घर में आ गए हैं फिर बहू और साहूकार। नाग पंचमी के दिन सर्प को क्योंकि दूध पिलाया, इसीलिए तो छोटी बहू ने इतना धन है पाया। नाग पंचमी व्रत की भक्तों पावन कथा यही है, पूजा पाठ के बाद अवश्य ही जाती सुनी पढ़ी है। डीएस पाल ने कर दिया भक्तों कथा का वर्णन, श्रद्धा भाव से सुनते जिसको हंस राज रलहन। फौजी सुरेश को और लिखने के लिए बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, नागदेव की पूजा करके इन्हें मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।